हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टंग के बारे में। जब आपके टंग में छोटे छोटे लाइंस बन जाते हैं, कई बार ये बहुत ज़्यादा गहरी होते हैं, कई बार ये छोटे छोटे थोड़ी बहुत के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। कई बार इसके कारण अननोन होते हैं, कई बार इसके कारण जो कॉमन होते हैं वो हम ढूंढ नहीं पाते और हमें ये समस्या लंबे समय तक चली आती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके रीजंस क्या है, इसके कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जाए, कौन सी 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं होता क्या है। इसे हम बोलते हैं क्रैक्ड टंग या फिर फिसर। ये डीप भी हो सकते हैं और ये थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा डीप भी नहीं होते। इसके साथ में सेंसेशन जो होता है, पेशेंट को कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। अगर आप ऐसे समस्या से परेशान हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉमन कॉजेस क्या होते हैं। उसका सबसे कॉमन रीज़न होता है बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, विटामिन B12। और इसके साथ में जो कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन B12 का, वो सारी कमी जब आपके बॉडी में होती है तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके साथ में फॉलिक एसिड आयरन डिफिशेंसी में भी ये बहुत ज़्यादा होता है। जिन मरीजों को आयरन की कमी होती है, यानी खून में आयरन कम होना, खून की कमी होना, ऐसी कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जिंक, जिन मरीजों में जिंक की कमी होती है उन मरीजों में भी देखने को मिलता है। फॉलिक एसिड जिन पेशेंट्स में कम होता है उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो अब जान लेते हैं ऐसे कौन सी 3 वेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं जो आपको इससे बिल्कुल ही निजात दिला सकती हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो डेफिशिएंसी है, आपको ब्लड रिपोर्ट करानी है, बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन्स का जो टेस्ट होता है वो कराना है, जिससे आपको पता लगे कि वास्तव में आपके बॉडी में कौन सी विटामिन्स कम है, या फिर आयरन कम है, फॉलिक एसिड कम है, या फिर जिंक की कमी है। सबसे पहली मेडिसिन है, जिन मरीजों को टाइफाइड के बाद में ऐसी समस्या होती है वो मर्क सॉल्ट का उपयोग कर सकते हैं। मर्क सॉल्ट 200 दिन में 2 बार सुबह से हम आपको लेनी है और ये कम से कम 15 दिन तक लीजिए, आपकी समस्या पूरी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जिन मरीजों को टाइफाइड पहले हो चुका है, टाइफाइड अगर नहीं हुआ है तो ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं लेनी है। दूसरी मेडिसिन होती है ब्रायोनिया एल्वा के जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट का जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसके अंदर की लेयर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। ड्राई यानी सूखना, जो बहुत ज़्यादा उसको सूखी सूखी लगती है, बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन होता है सूखने की वजह से, उसकी टंग बिल्कुल सूखी ड्राई होती है और फिसर्स होते हैं। ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया एल्वा 200 का 2-2 ड्रॉप्स आपको केवल दिन में 3 बार लेनी है और ये आपको 5-10 दिन तक ले सकते हैं, बिल्कुल समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एपिस मेलिफिका में वर्निंग सेंसेशन आपको आते हैं। जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको जीभ, टंग पर या फिर गले में उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत जलन हो रही है और इरिटेशन हो रहा है, ऐसे पेशेंट को स्टिकिंग पेन भी हो सकता है। जैसे कि कोई मधुमक्खी होती है, जब वो काट लेती है तब वो जलन और एक पेन होता है, ऐसी कंडीशन में आप एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी, 15 दिन तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद होता है वोरेक्स। वोरेक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को छाले भी होते हैं माउथ के अंदर और उसको ड्राइनेस भी मिलती है। जब पेशेंट को छाले अगर हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या फिर पेशेंट को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चला आ रहा है, ऐसी कंडीशन में वोरेक्स 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2-2 ड्रॉप्स 15 दिन के लिए कंटिन्यूशन में कीजिए, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको विटामिन B12, विटामिन अदर मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो आप इसे पूरा कीजिएगा। फॉलिक है, आयरन है, जिंक है, ऐसी चीज़ों को भी आप अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिएगा। हरी सब्जियां खाइएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा, ज़्यादा बोलना नहीं है आपको, कम बोलने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जल्दी आप देखेंगे आपको रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर और उपयोगी होगा, वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।